बांग्लादेश में अभी हाल ही में हुए तख्तापलट के बाद देश में तनाव अभी भी थमा नहीं है। प्रदर्शन कम जरूर हुए हैं लेकिन पूरी तरह थमे नहीं हैं। बांग्लादेश के निर्माता रहे मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तो पहले ही तोड़ा जा चुका है लेकिन अब उनकी याद में संजो कर रखी गई एक एक चीज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यहां तक कि उनकी श्रद्धांजलि पर भी रोक लगा दी गई है। जी हाँ, 15 अगस्त को जहां भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है तो वहीं बांग्लादेश में शहीदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 15 अगस्त 1975 को बंगबंधु मुजीबुर रहमान की उनके परिवार के 4 सदस्यों समेत हत्या कर दी गई थी। यह हत्या राजधानी ढाका में स्थित धान मंडी में की गई थी। आज जब आवामी लीग के नेता इसी धान मंडी के कमरा नंबर 32 में बंगबंधु को श्रद्धांजलि देने के लिए जाना चाहते थे तो उन्हें वहां जाने से रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि जमात इस्लामी और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के सत्ता के करीब पहुंचने के बाद देश में माहौल खराब हो गया है और कट्टरपंथी विचारधारा को देश में बढ़ावा दिया जा रहा है। यही कारण है कि बांग्लादेश में हर साल शहीदी दिवस पर होने वाली छुट्टी को भी रद्द कर दिया गया है। यह आदेश मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने दिया है। लेकिन बात सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकी। गुरुवार को बंगबंधु मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि दी जानी थी लेकिन इससे पहले ही प्रदर्शनकारियों ने धान मंडी के कमरा नंबर 32 के बाहर डेरा डाल दिया। जब आवामी लीग के नेता वहां पहुंचे तो उन्हें उस कमरे में दाखिल नहीं होने दिया जहां मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। स्थानीय मीडिया के अनुसार प्रदर्शनकारी आधी रात से ही डेरा डाले बैठे थे। इसके अलावा धान मंडी में मौजूद एक प्राइवेट गाड़ी को भी तोड़ दिया गया क्योंकि प्रदर्शनकारियों को शक था कि उसमें आवामी लीग के नेता बैठे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान आवामी लीग के नेताओं के साथ भी मारपीट की गई। इस स्थान पर पुलिस और सेना के जवानों की भी तैनाती की गई है। इससे पहले कई दिनों तक आवामी लीग के नेता और उनके समर्थकों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी हत्या की गई और उनकी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों का मुजीबुर रहमान की विरासत को नुकसान पहुँचाना, वहाँ आग लगाना, सब कुछ जारी रहा। बांग्लादेश के राष्ट्रवादियों का मानना है कि ये देश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण समय है जहां मुल्क की नींव रखने वाले शख्स को भी नहीं बख्शा जा रहा है। आपको बता दें कि ढाका की धान मंडी में बंगबंधु मुजीबुर रहमान के नाम पर एक म्यूजियम भी बनाया गया था क्योंकि इसी स्थान पर उनकी हत्या हुई थी, तो यहां एक स्मारक भी था। लेकिन तख्तापलट में हुई हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने इस संग्रहालय और स्मारक को भी नहीं बख्शा। यहां पर जबरदस्त तोड़फोड़ की गई और इसका नामोनिशान मिटा दिया। इसके बाद आवामी लीग के नेताओं की हत्या कर दी गई और अब उनकी श्रद्धांजलि पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल में नरसंहार और मानव अपराध का मुकदमा दर्ज किया गया है। देश की अंतरिम सरकार संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में इसकी जांच करवाएगी। हाल ही में हुई हिंसा के दौरान जितने छात्रों की मौत हुई है उन्हीं मौतों में उनकी भूमिका पर जांच होगी और इसी मामले में उन पर नरसंहार और मानव अधिकार का आरोप भी लगा है।